सहमत हैं एलजी के डिसीजन के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहले भी बहुत जल्दी थी, जब उन्होंने लिकर शॉप्स खोली थी उसके बाद जो स्थिति हुई थी दिल्ली की, बुरा हाल हो गया था। फिर केंद्र के पास जाके हाथ फैला के मदद मांगने लगे कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। उसके बाद अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है गृह मंत्री जी की इंटरफेरेंस के बाद, जब से इंटरवीन किया उसके बाद अब इनको फिर जल्दी हो गई कि वीकली मार्केट खोलें और होटल खोलें। अगर थोड़ा बहुत अगर 15-20 दिन रुक जाए और थोड़ी स्थिति बेहतर हो जाए तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल मानते हैं कि एलजी का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक फैसला था। आज जैन साहब ने भी कहा स्वास्थ्य मंत्री चाहिए और तमाम तरह से, हालांकि आपने तुगलक उनको आज ट्वीट किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो आपको बोला कि उनके तुगलक की फरमान है, उसमें क्या खराबी है? अभी पिछले 6 साल से उन्होंने अपने सिर्फ तुगलक की फरमान ही जारी करें, जिस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं आज तक तो कभी इकोनॉमी की बात ही नहीं करी। फ्री बांटने में तो कभी ये नहीं सोचा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इलेक्शन जीतने से पहले जब सब कुछ फ्री में बांट दिया तब भी तो ये सोच सकते थे कि भाई इकोनॉमी रिवाइव करनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, हर चीज़ के बारे में सोचना है। 6 साल से ना एक नया स्कूल, ना नया कॉलेज, ना नया हॉस्पिटल बनाया, ना कोई फ्लाईओवर बनाया, तो अब इनको इकोनॉमी की बात आ गई है। सीधा बोलिए ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए, कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो आपने 6 साल में कुछ भी नहीं किया। अगर इतने ही आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो अपने एडवर्टाइजमेंट भी तो रोक सकते हैं, जो फ्रंट फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या फिर आप रेडियो स्टेशंस पे अपनी जो हर एक गाने के बाद आपकी जो आवाज़ सुनाई देती है, इतना इकोनॉमी के लिए सीरियस होते तो फिर बताना चाहिए था। हम तो 4 महीने पहले से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हर एक पैसा इस पैंडमिक के टाइम जनता की सेवा में लगना चाहिए, और आपको आपके आर्ट से ही छुटकारा नहीं मिल रहा। तो इकोनॉमी की बात जब अरविंद केजरीवाल जी करते हैं ना तो बहुत ख़राब लगता है, उनको सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट की बात करनी चाहिए।